फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब 3D डिज़ाइन। सो आज जो हमने प्लानिंग प्रोवाइड की है वो है 45 फीट बाई 50 फीट का हमारा ईस्ट फेसिंग का यहाँ पे हमने विला हाउस डिज़ाइन किया है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने विला हाउस डिज़ाइनिंग की है। डायरेक्शन ईस्ट फेसिंग का हमारा प्लॉट साइज है, प्लॉट साइज यहाँ पे 45 फीट बाई 50 फीट का हमारा प्लॉट साइज है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 32 लाख to 36 लाख यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आ सकती है। 45 फीट बाई 50 फीट का यहाँ पे हमारा प्लॉट साइज है जिसमें हमने विला हाउस डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे ईस्ट फेसिंग का हमारा प्लॉट साइज है। बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ पे है 2478 स्क्वायर फीट यहाँ पे टोटल बिल्टअप एरिया है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे 4 BHK, 4 बेडरूम, मास्टर बेडरूम, 4 मास्टर बेडरूम, होल किचन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, कार पार्किंग, डबल हाइटेड लिविंग एरिया यहाँ पे हमारा हमें मिल जाता है, ओपन गार्डन यहाँ पे हमें मिल जाता है। सो यह पूरी स्पेसिफिकेशंस हमें यहाँ पे पूरी प्लानिंग में प्रोवाइड की है, डिज़ाइन बाई फैब 3D डिज़ाइन। सो अगर आपको भी हमसे कोई प्लानिंग या हाउस डिज़ाइनिंग करवानी हो तो यहाँ पे हमने व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हो। और प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फैब 3D डिज़ाइन एंड प्रेस टू द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हमारा 45 फीट बाई 50 फीट का यहाँ पे हमारा प्लॉट साइज है। सो यहाँ पे हमने पूरी प्लानिंग की है। सो यहाँ पे हमने कार पार्किंग यहाँ पे एंटर करते ही मिल जाता है। कार पार्किंग की साइज़ है 21 फीट 6 इंच बाई 16 फीट 6 इंच का यहाँ पे हमने अच्छा खासा कार पार्किंग प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने यहाँ पे 2 कार और 1 या 2 बाइक आप यहाँ पे रख सकते हो। सो कार पार्किंग यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे हमने लॉन और यहाँ पे ओपन गार्डन हमारा हमें मिल जाता है। सो यहाँ पे लॉन की साइज़ है 4 फीट 9 इंच यहाँ पे वाइड लोन हमें मिल जाता है। और यहाँ पे पूरा ओपन गार्डन हमें यहाँ पे मिल जाता है। सो कार पार्किंग के बाद हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें फ्लोयर यहाँ पे हमें मिल जाता है 11 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 8 इंच का यहाँ पे हमें वर्किंग एरिया स्पेस मिल जाता है। और यहाँ से हम एंटर करते हैं हमारे फॉर्मल लिविंग एरिया में। यहाँ पे हमने फॉर्मल लिविंग एरिया प्रोवाइड किया है 12 फीट 8 इंच बाई 12 फीट 2 इंच का यहाँ पे हमारा फॉर्मल लिविंग एरिया यहाँ पे हमने डबल हाइटेड प्रोवाइड किया है। यहाँ पे हमने डबल हाइटेड फॉर्मल लिविंग एरिया यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया। आप फर्स्ट फ्लोर के प्लान में हम देख सकते हो यहाँ पे पूरा ओपन है, डबल हाइटेड यहाँ पे पूरा फ्लोर फॉर्मल लिविंग एरिया है। यहाँ पे हमने सोफा की अरेंजमेंट की है। यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे टीवी यूनिट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फॉर्मल लिविंग एरिया के बाद हम एंटर करते हैं हमारे फैमिली लिविंग एरिया में। हमने यहाँ पे पूरा फैमिली लिविंग एरिया और यहाँ पे डबल हाइटेड फॉर्मल लिविंग एरिया यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया। फैमिली लिविंग की साइज़ है 12 फीट 8 इंच बाई 13 फीट का यहाँ पे हमारा फैमिली लिविंग एरिया है। सो ये पूरा हमने यहाँ पे सोफा सेट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे डाइनिंग एरिया हमें अच्छा खासा मिल जाता है, 12 फीट बाई 13 फीट का यहाँ पे हमें डाइनिंग एरिया मिल जाता है। और यहाँ पे डाइनिंग एरिया के बाद हम एंटर करते हैं हमारे किचन में। 8 फीट बाई 13 फीट का यहाँ पे हमारा किचन हमने प्रोवाइड किया। किचन के बाजू में हमने यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया। 8 फीट बाई 4 फीट 8 फीट का यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस हमने प्रोवाइड किया। और यहाँ पे किचन में डोर हमने बैक साइड में दिया है। सो यहाँ पे भी ओपन यूटिलिटी हमने प्रोवाइड किया। और ये पूरा बैक यार्ड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है 45 फीट बाई 6 फीट 4 फीट का यहाँ पे 6 फीट 4 इंच का यहाँ पे हमारा बैक यार्ड यहाँ हमें मिल जाता है। और यहाँ पे हमने OTS और यहाँ पे हमें ओपन गार्डन हमें मिल जाता है। सो ये पूरी प्लानिंग हमने ग्राउंड फ्लोर में 45 फीट बाई 50 फीट में की है। सो यहाँ पे हमने कार पार्किंग, लॉन, ओपन गार्डन, बैकयार्ड स्पेस, फॉर्मल लिविंग, डबल हाइटेड फैमिली लिविंग और डाइनिंग एरिया हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। किचन और यूटिलिटी हमने प्रोवाइड किया। और यहाँ पे हमने एंटर करते ही हमारा यहाँ पे बेडरूम हमें मिल जाता है, मास्टर बेडरूम, बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट।
8 फीट बाई 5 फीट 2 इंच का यहाँ पे हमें अटैच टॉयलेट मिल जाता है। और यहाँ पे मास्टर बेडरूम 16 फीट बाई 13 फीट 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 1 फीट का यहाँ पे हमें मास्टर बेडरूम हमें मिल जाता है। सो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की ये पूरी प्लानिंग हमने प्रोवाइड की है। ग्राउंड फ्लोर के बाद हम यहाँ से स्टेयर में यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो स्टेयर केस यहाँ पे 7 फीट 10 इंच बाई 13 फीट 9 फीट का यहाँ पे पूरा स्टेयर केस हमने दिया है। ये पूरी लैंडिंग स्पेस है। सो यहाँ से हम एंटर करते हैं हमारे लॉन्च लिविंग मिनी लिविंग एरिया में। 12 फीट 8 इंच बाई 11 फीट 4 इंच का यहाँ पे पूरा लॉन्च हमने प्रोवाइड किया। और यहाँ पे हमारा ओपन स्पेस है जो डबल हाइटेड, यहाँ पे हमने जो लिविंग एरिया फॉर्मल लिविंग एरिया प्रोवाइड किया उसका स्पेस यहाँ पे ओपन डबल हाइटेड यहाँ पे पूरा है। और यहाँ पे लॉन्च हमने प्रोवाइड किया है। और यहाँ से हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 मास्टर बेडरूम हमें मिल जाता है विथ अटैच टॉयलेट। यहाँ पे हमें मिल जाता है 3 मास्टर बेडरूम हमें मिल जाता है विथ अटैच टॉयलेट और सीट आउट। और यहाँ पे बालकनी हमने प्रोवाइड की है। स्टेयर केस के बाद हमें यहाँ से लैंडिंग से ही हमने यहाँ पे सीट आउट आप यहाँ पे 7 फीट 10 इंच बाई 9 फीट 5 इंच का यहाँ पे सीट आउट और बालकनी यहाँ पे 3 फीट 11 इंच वाइड यहाँ पे बालकनी हमें मिल जाती है। और यहाँ पे 3 मास्टर बेडरूम हमें मिल जाता है। फर्स्ट मास्टर बेडरूम की साइज है 12 फीट 10 इंच बाई 18 फीट 6 इंच का यहाँ पे हमें मास्टर बेडरूम मिल जाता है। और यहाँ पे पूरा ड्रेस और यहाँ पे अटैच हमने यहाँ पे टॉयलेट हमें मिल जाता है 7 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 1 इंच का यहाँ पे पूरा अटैच हमें मिल जाता है मास्टर बेडरूम के साथ। और यहाँ पे आप वार्डरोब यहाँ पे प्रोवाइड फर्नीचर लेआउट यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो 7 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 7 इंच का यहाँ पे ड्रेसेस यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हो। सो यहाँ पे हम एंटर करते हैं हमारे सेकंड मास्टर बेडरूम में। 12 फीट बाई 13 फीट का यहाँ पे हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम है विथ अटैच टॉयलेट। 8 फीट बाई 4 फीट 8 इंच का यहाँ पे अटैच टॉयलेट हमें मिल जाता है। और यहाँ पे आप फर्नीचर वार्डरोब यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम थर्ड बेडरूम में एंटर करते हैं तो यहाँ पे एंटर करते हैं के साथ हमें यहाँ पे अटैच टॉयलेट मिल जाता है 8 फीट बाई 5 फीट 2 इंच का यहाँ पे अटैच टॉयलेट मिल जाता है। और यहाँ पे थर्ड मास्टर बेडरूम है 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 1 इंच का यहाँ पे हमें मास्टर बेडरूम मिल जाता है, हमारा थर्ड मास्टर बेडरूम मिल जाता है। सो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में हमने यहाँ पे 3 मास्टर बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट लॉन्ज और यहाँ पे हमने बालकनी प्रोवाइड की है। सो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में हमने यहाँ पे 4 बेडरूम 4 मास्टर बेडरूम यूटिलिटी स्पेस किचन डाइनिंग स्पेस फॉर्मल लिविंग एरिया डबल हाइटेड फॉर्मल लिविंग एरिया फैमिली एरिया कार पार्किंग हमने यहाँ पे पूरा प्लानिंग में प्रोवाइड किया है। सो इफ़ यू लाइक माई प्लान सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फैब 3D डिज़ाइन।